हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे इंडियन बैंक का पासबुक प्रिंटिंग बारे में। पासबुक प्रिंटिंग आप हमारा चैनल में देख सकते हैं, कितना ज्यादा बैंक का हम पासबुक प्रिंटिंग का फॉर्मेट आपके लिए बनाते हैं। आज कोई भाई हमको रिक्वेस्ट किया, आज ज्यादा से ज्यादा भाई ने हमको रिक्वेस्ट किया इंडियन बैंक का फॉर्मेट के लिए। तो हम आपके हेल्प के लिए इंडियन बैंक का फॉर्मेट ले आया। इसमें आप कैसे एडिट कर सकते हैं, और इंडियन बैंक का एक बात है, क्योंकि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों एक हो गया, तो इसलिए इस जो वीडियो है इसमें आप दोनों बैंक का पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं। दोनों बैंक का पासबुक फॉर्मेट हम एक ही सर्विस में ऐड कर दिया। तो कैसे आप इंडियन बैंक का पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो से क्लियरली देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि साइबर वैली जो देता है और कोई नहीं देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, इंडियन बैंक का पासबुक प्रिंटिंग आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले बात है, इंडियन बैंक का पासबुक प्रिंटिंग करने के लिए आपके पास ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फॉर्मेट है, कितना ये जो फॉर्मेट है एक ही टाइम में आप दोनों बैंक का पासबुक प्रिंट कर सकते हैं, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक। तो इस फॉर्मेट कहां से आपको मिलेगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको जीप फाइल देगा, उसको अनजीप करना है। देखिए, आई बटन में एक वीडियो आ रहा है कैसे जीप फाइल को अनजीप करते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, इंडियन बैंक का पासबुक प्रिंट। आपके पास जो भी प्रिंटर है, कोई भी प्रिंटर, ब्लैक, व्हाइट, कलर, जो भी प्रिंटर है उससे आप इजी से पासबुक प्रिंटिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, ये जो फॉन्ट है यहाँ पर आपके लिए हम यहाँ पर देखिए रेड बॉक्स कर दिया। ये जो बैंक का फॉर्मेट है यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियन बैंक हेडिंग है और यहाँ पर इंडियन बैंक लिखा है और इलाहाबाद बैंक यहाँ पर लिखा है। तो ये जो बैंक है इसको आपको प्रिंटिंग करने के लिए, इंडियन बैंक अगर आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो इंडियन बैंक का ऊपर में क्लिक कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आप इंडियन बैंक का ऊपर में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देखिए इंडियन बैंक का जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इंडिया बैंक का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है जो एक्सेल में आपको मिलेगा। इसको एडिट करना इतना इजी है, वो आप इजी से कर सकते हैं। कैसे, चलिए, आपको कोई कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टाइम आने के बाद, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद, जीप टू अनजीप करने के बाद, ब्रांच को आपको एडिट करना है। यहाँ पर आपको ब्रांच का ऊपर में ब्रांच का नाम जो है उसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रांच का जो नेम है यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, आईएफसी कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, आईएफसी कोड के मेल जो भी आपको लिखना है यहाँ पर टाइप कर दीजिए, क्योंकि आईएफसी कोड आप खुद जान सकते हैं कौन सा बैंक का सीएसपी आपके पास है, उस सीएसपी का आईएफसी कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर एमआरसी कोड आप गूगल से सर्च करके पता कर सकते हैं या आप खुद यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं जिस कस्टमर का आप पासबुक प्रिंटिंग कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हम साइबर वैली लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, कस्टमर का जो अकाउंट नंबर आप क्रिएट किया वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। एड्रेस में देखिए यहाँ पर 3 लाइन है, क्योंकि ये समझने की बात है, डिजाइन कैसे होता है वो आपको समझना है। देखिए, एड्रेस में अगर आप आधार कार्ड को ठीक से फॉलो करेंगे तो एड्रेस में उसका फादर का नाम रहता है, तो पहले आपको उसका फादर, मदर, हस्बैंड जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं राहिम मंडल। उसके बाद यहाँ पर उसका जो सेकेंड लाइन में उसका जो विलेज है, विलेज यहाँ पर लिखना है रामपुर। उसके बाद यहाँ पर उसका जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर लिखिए
उसके बाद यहाँ पर उसका डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। आप कस्टमर का नोमिना किया, जो कस्टमर है आपके पास, जो कस्टमर आया उसका नोमिना किया तो यहाँ पर यस लिखिए, और नहीं किया तो यहाँ पर नो लिखेंगे, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होगा, ये जो पासबुक है ये किसके लिए ओपन किया, कस्टमर खुद का लिए ओपन किया तो यहाँ पर सेल्फ लिखना है या आधार लिख सकते है। अकाउंट ओपनिंग डेट, अकाउंट कब ओपन किया कस्टमर ने, तो यहाँ पर जिस तारीख में आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं उसका डेट यहाँ पर टाइप कर दीजिए। देखिए सारे चीज फिल हो गया, नमीना रजिस्टर है यस और नो, तो यस में कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पी बी नंबर मतलब पासबुक नंबर, अगर कितना कस्टमर का पासबुक दिया वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। CIF नंबर में क्लिक करके बैक स्पेस चपेंगे तो डिलीट हो जाएगा। बाद CIF नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए, करने के बाद यहाँ पर छोड़ दीजिए। CIF नंबर एंटर करने के बाद आपका पासबुक फिलअप कंप्लीट हो गया। इसको प्रिंट करने के लिए फाइल में क्लिक कीजिए, प्रिंट में क्लिक कीजिए और देखिए कितना अच्छा क्वालिटी आया। इसको आप जो आप फोटो पेपर या कोई पेपर में प्रिंट करके देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी एंड अच्छा दिखेगा, पूरा सेम टू सेम इंडियन जो बैंक है उसी फॉर्मेट में है। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको बोला हम इलाहाबाद बैंक का पासबुक आप प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद बैंक पासबुक यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए इलाहाबाद बैंक का पासबुक आ गया। तो यहाँ पर भी आप इलाहाबाद बैंक का पासबुक सेम तरह से एडिट करके प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं, मतलब जो एडिटिंग हम इंडियन के लिए किया वो इलाहाबाद के लिए करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर दो बैंक का फॉर्मेट है, यहाँ पर इंडियन में क्लिक करेंगे तो इंडियन में आ जाएंगे, होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, इंडियन में क्लिक करेंगे तो इंडियन में आ जाएंगे और इंडियन बैंक पासबुक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आज की फॉर्मेट आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपको फ्रेंड को। अगर आपको कोई भी बैंक का फॉर्मेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको जो बैंक का फॉर्मेट चाहिए। अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वही सब डाउनलोड कर सकते हैं।